This is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to continue the chapter pen. So directly today's our next topic is in MS Pen, InPen. So InPen, the next topic is using color picker tool, so this is our next topic, using color picker tool. Directly हम pen में चलते हैं. Now see, this one is a pen. Now color picker tool में क्या होगा, अब मैं practically करके आपको दिखा रहा हूँ. Suppose this one हम लोग जा रहे हैं shape tool में और एक shape मैंने draw किया oval, फिर मैंने एक दूसरा शेप लिया रेक्टेंगल, ओके, फिर तीसरा शेप मैंने लिया सपोज दिस पॉलीगन, पॉलीगन मैंने एक शेप लिया, फिर इसी तरह से मैंने शेप लिया सपोज दिस स्टार शेप लिया, स्टार, दिस वन इज द स्टार, कम हियर, अनदर शेप इज ट्राइंगल, अनदर मैंने ट्राइंगल लिया, now come here, another shape is something like this one, cloudy, see here this one, that is cloud, another one is cloud, so these are the shapes I have, okay, ये सब मैंने shapes draw किया. अब देखिए मैं जो हूँ ये फिल विथ कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिल विथ कलर ऑप्शन पे, फिल विथ कलर जो टूल्स ग्रुप है, टूल्स ग्रुप में इसको ग्रुप बोलते हैं, टूल्स ग्रुप है, ये क्या है, क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है, इमेज एक ग्रुप है, टूल्स एक ग्रुप है, सेपसिक एक ग्रुप है, कलर एक, कलर्स एक ग्रुप है. तो मेरे पास फिल विथ कलर ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया और कलर सेलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने कलर ये कलर सेलेक्ट कर लिया, रोज कलर है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया. देखिए बैकग्राउंड फॉरग्राउंड कलर में ये एक्टिवेट हो गया फॉरग्राउंड कलर में. अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा सर्कल है, ये जो सर्कल है इसमें ये कलर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है. अब ये सर्कल में कलर फिल हो गया. अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है, मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल में कलर है सेम ही कलर सब, ये जो क्या होगा पेंट में, ये जो भी मैंने शेप्स बनाए हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है. तो सर्कल एक क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, रेक्टेंगल भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगल भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, स्टार भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉलीगन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लाउड भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. तो अब मैं चाहता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कल, इसका इंटीरियर कलर जो है यही कलर सारे में फिल करना चाहता हूँ, यही कलर सारे में मैं फिल करना चाहता हूँ. तो अब मेरे पास ऑप्शन है, हमारे पास फिल ये कलर पिकर टूल, कलर पिकर, पिकर मतलब क्या, पिक करेगा, ऑब्जेक्ट से कलर को पिक करेगा, इसीलिए टूल का नाम है कलर पिकर टूल, कलर पिकर टूल. अब कलर पिकर टूल पे मैंने क्लिक कर दिया. अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो कलर है ये क्या है, ये कलर पिकर टूल है, ये जो अभी रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये क्या है, कलर पिकर टूल है. अब कलर पिकर टूल से क्या करना है आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कल उसके कलर को पिक कर लेंगे, चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे. तो मैं इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो ये कलर पिकर टूल क्या किया, ये जो कलर पिकर टूल है इस ऑब्जेक्ट का कलर को पिक कर लिया, कलर को पिक कर लिया. और देखिएगा कि जैसे ही क्लिक किए तो कलर पिकर टूल जो है ना कन्वर्ट हो गया फिल विद कलर में. अब जहाँ जहाँ हमको जिस जिस ऑब्जेक्ट में, ये इस ऑब्जेक्ट में ये जो सर्कल का जो कलर है वही हमको अप्लाई करना है. इस पर क्लिक किए, देखिए ये हो गया, इसमें भी क्लिक किए अप्लाई हो गया सेम कलर, इस पर भी क्लिक किया अप्लाई हो गया सेम कलर, इस पर भी सेम कलर हो गया, ये सेम कलर हो गया, ठीक है. तो ये दिस इज ऑल अबाउट द कलर पिकर टूल. कलर पिकर टूल क्या करता है, कलर को ऑब्जेक्ट के कलर को पिक करके दूसरे ऑब्जेक्ट में वो अप्लाई कर देता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई करता है. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द कलर पिकर टूल. कलर पिकर टूल का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कलर पिकर टूल जो है टूल्स ग्रुप में होता है, टूल्स ग्रुप में, क्लियर, कलर पिकर टूल
यहाँ पे जैसे ही माउस पॉइंटर लगे ना तो ये दिखाएगा कलर पिकर टूल। ये क्या है, टूल्स ग्रुप में है। अब क्या होता है दूसरा बात, जैसे ही कलर पिकर टूल जो होता है, जिस ऑब्जेक्ट का कलर हमको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कीजिएगा, जैसा क्या कि इस ऑब्जेक्ट के कलर को सेलेक्ट करना था और इन सारे ऑब्जेक्ट में वो कलर अप्लाई करना था, तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे कलर पिकर टूल को अप्लाई किए ना, तो कलर पिकर टूल को ले जाकर क्लिक किए तो कलर पिकर टूल का जो है चेंज हो गया। क्या चीज में, फिल विथ कलर में चेंज हो गया, फिल विथ कलर में चेंज हो गया। फिर से मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये न्यू एक फाइल लेता हूँ सीजर डॉट से, यहाँ पे देखिए ध्यान से मैंने एक सर्कल लिया, ये फॉर एग्जांपल ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये ट्रायंगल एक और मैंने सर ले लिया, ये क्लाउड ले लिया, क्लाउड ड्रॉ किया। अब देखिए मेरे पास क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिल विथ कलर को सेलेक्ट किया और फिल विथ कलर से ये येलो कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ और फिल विथ कलर सेलेक्टेड है, यहाँ पे मैं क्या किया इस ट्रायंगल के अंदर फिल विथ कलर से येलो कलर सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो येलो कलर है इस ये जो ट्रायंगल ऑब्जेक्ट है, इस ट्रायंगल ऑब्जेक्ट का येलो कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि मैं कलर पिकर टूल को सेलेक्ट किया। अब देखिए कलर पिकर टूल जैसे ही ट्रायंगल ऑब्जेक्ट पे ले गए और क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिल विथ कलर में। क्लिक किया, देखिए ये क्या हुआ, चेंज हो गया फिल विथ कलर टूल में। अब आए इस ऑब्जेक्ट में, क्लाउड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए, कलर स्कीम अप्लाई हो गया। तो यही पॉइंट ये है कि कलर फिल विथ कलर में ये कन्वर्ट, कलर पिकर टूल जो है फिल विथ कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिस इसी के कारण ये कलर अप्लाई होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर पिकर टूल। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सिलेक्शन टूल, यूज ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ सिलेक्शन टूल। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे नाउ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ सिलेक्शन टूल। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड सेकेंड वन इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, ठीक है ना। ये दो टाइप का सिलेक्शन पढ़ना है आप लोगों को, सिलेक्शन ज़्यादा भी होता है लेकिन आप लोगों को दो ही पढ़ना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। तो अब हम लोग ये दोनों प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये पेंट में जा रहा हूँ और मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ सीयर। तो मैंने सेलेक्ट किया ये स्ट्रेट लाइन सीयर, फिर मैं कलर ले रहा हूँ और कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ये कलर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिल विथ कलर ऑलरेडी है, ये कलर अप्लाई किया, इसको सेलेक्ट किया, फिल विथ कलर अप्लाई किया। जो भी कलर आपका पसंदीदा है उससे सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए, इसको सेलेक्ट किया, अप्लाई किया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और अप्लाई किया। नाउ मेरा पॉइंट क्या है,
सिलेक्शन टूल। सो सी यार, हम लोग होम टैब में जाएंगे ना, ये होम टैब है, दो ही टैब है एम एस पेंट में, सॉरी बार बार एम एस पेंट बोल रहा हूँ, पेंट में। सो पेंट में दो ही हमारे पास टैब है, होम टैब और व्यू टैब। तो हम लोग होम टैब में जाएंगे और सी यार, होम टैब में इमेज ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, इमेज ग्रुप, इमेज ग्रुप। तो इमेज ग्रुप में हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे और फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अब इस पर क्लिक किए और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ड्रैग कर रहे हैं जो माउस पॉइंट, ये जो है ना हमारे पास, इस पर क्लिक जैसे ही किए ना, जस्ट देखिए कॉपी करते इसको, कलर इसका हट गया मेरे से, इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं सेलेक्ट, ये जो सिलेक्शन टूल है इसमें दो तरह का सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक किया, ये क्या आ रहा है, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है ना। अब इसको जैसे ही मैं माउस पॉइंटर जो है, जो मैं कीबोर्ड में लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा, लेफ्ट माउस पॉइंटर को प्रेस करूंगा, कीबोर्ड में मैं जो है लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा, और मतलब लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और ये जो आइकन आ रहा ना उसको खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल टाइप आ रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप आ गया ना, चारों तरफ ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन टूल इसलिए सेलेक्ट करने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए चारों तरफ जो ये जो है ना, यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, रेक्टेंगुलर छोटा सा पॉइंट, यहाँ पर भी, 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 इस पॉइंट को बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट, क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट। अब इस पॉइंट से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट मैंने जो बनाया है उसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सो सी अब क्या होगा, सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को और मैं इसके थ्रू, देखिए जैसे जैसे इसको मैं यहाँ ऐसे किया, देखिए ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा हो गया, इस ये कंट्रोल पॉइंट से मैं ऐसे किया, ये ऑब्जेक्ट मेरा देखिए चेंज हो रहा है ना, जैसे मुझे करना है वैसे हम कर सकते हैं थ्रू कंट्रोल पॉइंट। ये कंट्रोल पॉइंट से भी ये देखिए, ये कंट्रोल पॉइंट से हम ऐसे, तो मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किए और फिर अगर इस ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना है तो वो भी हम ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अगर बड़ा भी करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर मूव भी करना चाहें, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए, ऑब्जेक्ट इस जगह पे, अब मैं चाहता हूँ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है ये ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव भी कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का ये एक फायदा है, हम ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट, ये कंप्लीट सिलेक्शन कर दिया, टोटली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, टोटली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जहाँ मन हमको वहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा हुआ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब मेरे पास है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, अब हमारे पास है नेक्स्ट जो फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का काम क्या है, अब मैं वो बता रहा हूँ, यार फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का काम क्या है। तो मैं यहाँ पे गया सिलेक्शन टूल में और फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल में क्या है कि अगर टोटली सेलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट को एक रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन टूल रेक्टेंगल सेलेक्ट, या तो हम टोटली ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिए तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का काम है, टोटली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया और जहाँ मूव करना है जैसे हमको बड़ा छोटा भी करना है कंट्रोल पॉइंट से कर सकते हैं, ये सब क्या कंट्रोल पॉइंट से इसको कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास एक और है फ्री ट्रांस, दूसरा एक और हमारे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का है कि सपोज मैं इतने ये जो ऑब्जेक्ट का इतना पोर्शन ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। मतलब पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पार्ट को हमको सेलेक्ट करके मूव करना है, ठीक है ना, ठीक दिस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो, रेक्टेंगुलर पोर्शन ही हमारा मूव हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसके हम लोग
किसी भी ऑब्जेक्ट से रेक्टेंगुलर पोर्शन अगर सेलेक्ट करके उसमें उसको मूव करना है तो हम ये कर सकते हैं थ्रू व्हाट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर आपको अप्लाई करना है तो सेलेक्ट किए और सेलेक्ट किए इतना पोर्शन को और मूव कर दिए। सो ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। लेकिन अगर हम बात करें फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को, तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को देखिए, हम जैसा पोर्शन यहां से सेलेक्ट करना चाहें, जितना पोर्शन जिस डायरेक्शन में मैं अपने ये इसको घुमाऊंगा उस उतने दूर को ही ये सेलेक्ट कर लेगा। और यहां से सेलेक्ट कर लिया है जितना मैं घुमाया था और ये मूव की, देखिए ये क्या हुआ, इतना पोर्शन ये यहां से मूव हो गया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं इस पर कोई दूसरा कलर अप्लाई करना, तो देखिए यहां पे क्या करें, मैं जाऊंगा फिल विद कलर में और सपोज मैं यहां पे ये कलर अप्लाई करना चाहता हूं, देखिए अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म मीन्स रेक्टेंगुलर पोर्शन ही नहीं कट करेगा या रेक्टेंगुलर पोर्शन ही मूव नहीं करेगा, जितना आपको पोर्शन जरूरत है यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर लिया, जो जो पोर्शन हमको चाहिए सपोज इतना ये सेलेक्ट कर दिया और मूव कर दिया, देखिए तो ये क्या हुआ, उतना पोर्शन रिमूव हो गया, ठीक है ना, उतना ही पोर्शन इस ऑब्जेक्ट से रिमूव हो गया, ठीक है। और फिर कोई कलर अप्लाई करना है तो सेलेक्ट किए और गए फिल विद कलर और यहाँ पे वो कलर अप्लाई कर दिए। तो ऐसे हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, मन चाहा पोर्शन, जितना ऑब्जेक्ट का पोर्शन सेलेक्ट करना है उतना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसका मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये वाला पोर्शन इस ऑब्जेक्ट का ना मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ मूव हो गया। तो दिस इज फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। बट रेक्टेंगुलर टूल में क्या हो रहा था, ये रेक्टेंगुलर टूल देखिए, रेक्टेंगुलर टूल में रेक्टेंगुलर पोर्शन ही क्या आ रहा था, मूव हो रहा था और यहाँ तो बड़ा छोटा जो भी करना हो रहा था। सो दिस इज फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड रेक्टेंगुलर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। सो ये हमारा कंप्लीट सिलेक्शन टूल हुआ, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट। मूविंग एंड ऑब्जेक्ट, सो मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक। That's all for today. We will discuss moving an object in the next video. Thank you.